हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप भी अपने स्क्रीन को शानदार, लैपटॉप स्क्रीन या डेस्कटॉप को शानदार बनाना चाहते हैं, जैसे स्लाइड शो आप यहां पे लगाना चाहते हैं, जिस तरह हम मैं लगाया हूं वैस तरह आप भी लगाना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना होगा आपके अपने माउस की राइट बटन को क्लिक करना होगा। राइट बटन क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे ऑप्शन आइएगा पर्सनलाइज, पर्सनलाइज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बैकग्राउंड की ऑप्शन आ चुकी है, आपको यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे स्लाइड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सबसे ऊपर पिक्चर का आइकन आपको दिखेगा। पिक्चर पे आप यहाँ से क्लिक करके पिक्चर लगा सकते हैं, यहाँ से पिक्चर लगा सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन आपका है यहाँ पे कलर का, सॉलिड कलर। यहाँ से कलर, आप कलर पर क्लिक करने के बाद आपको ढेर सारी कलर यहाँ मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं हम खुद से कलर चूज करें तो यहाँ कस्टमाइज कलर है, यहाँ से जाके आप कलर चूज कर सकते हैं स्विंग से, और इसे डन कर देना है। डन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर ऑप्शन आ चुका है। अगर चाहते हैं हम स्लाइड ऑप्शन लगाएं तो आपको यहीं पर ये ऑप्शन है स्लाइड शो, स्लाइड शो पे क्लिक कर देना है। स्लाइड शो पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ चूज एल्बम फॉर द स्लाइड शो फ्लोवर, आप फ्लोवर स्लाइड शो चूज किए हैं। तो यहाँ चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ ढेर सारी फ्लोवर यहाँ उपलब्ध है, जिससे आपकी आपकी डिस्प्ले एकदम अट्रैक्टिव दिखेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे लाते रहते हैं, जो अप टू डेट सबसे पहले आपको पास पहुँच जाए। धन्यवाद।